हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एनिमे रिविजिट। आज हम रिविजिट करने वाले 2001 की एक बेस्ट मूवी स्पिरिटेड अवे, जिसमें हमें मूवी की कहानी के साथ साथ बहुत सारे लाइफ के लेसन्स भी सीखने का मौका मिलेगा। तो कहानी शुरू होती है एक फैमिली से जो एक नए टाउन शिफ्ट कर रही होती है। मूवी में एक यंग गर्ल दिखाई जाती है, चिहिरो, जो अपसेट होती है रिलोकेशन से। वो कंटिन्यूसली कंप्लेंट कर रही होती है अबाउट लिविंग हर फ्रेंड्स, लिविंग हर स्कूल्स। रीलोकेशन पे उसके फ्रेंड्स ने उसे एक बुके दिया होता है, तो उसके पेरेंट्स ने उसे एक कार्ड दिया होता है बेसिकली, जिस पे उसका नाम होता है। इसे याद रखना, कॉज दिस इज गोना इम्पॉर्टेंट इन स्टोरीज स्टोरी लाइन। उसके जो डैड है वो गाड़ी चलाते चलाते रास्ता भूल जाता है, एंड रास्ते की खोज करते करते जंगल से गाड़ी इतना तेज भगाने लगते हैं कि ब्रो चिहिरो एंड उसकी मॉम की तो फट के हाथ में आती है। अल्टीमेटली वो किसी गेट के सामने आके रुक जाते हैं। चिहिरो को इस गेट को देख के कुछ तो गड़बड़ है फीलिंग आना स्टार्ट होती है। समहाउ विंड उसको अंदर खींच रहा होता है एंड वो फैमिली को कह रही होती है कि निकलो यहाँ से, कुछ तो अजीब है। बट भाई पेरेंट्स तो पेरेंट्स हैं, वो सुने तो सही ना। सीना तान के अंदर चले जाता है। यहाँ पे हमें अपने लाइफ का पहला लेसन मिलता है कि करेज एंड बेवकूफी में बड़ी ही पतली लाइन होती है। इसे समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिंदगी में कौन सा काम करेजियस है एंड कौन सा बेवकूफ़ी भरा, जो इसे समझ गया वही असली समझदार इंसान माना जाता है। अब कोई ऑप्शन नहीं तो चिहिरो को भी अंदर जाना पड़ता है। अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस होता है एंड उन्हें लगता है कि ये कोई पुराना सा अबंडेंट एक अम्यूजमेंट पार्क है। बट ट्रस्ट मी, यहाँ से उनकी जिंदगी 360 घूमने वाली है एंड ऐसी ऐसी चीजें होगी ना जिसके बारे में आपने सपने भी नहीं सोचा होगा। अंदर से प्लेस बहुत ही ब्यूटीफुल होता है बट अभी भी अपनी जीरो को कुछ तो गड़बड़ है वाली फीलिंग आ रही होती है। बट फिर से वो अपने पेरेंट्स की जिद पे वहाँ पे रुक जाती है। बट उसके फादर को वहाँ पे अचानक से खाने की खुशबू आना स्टार्ट होता है एंड वो उसके पीछे भागने भागना स्टार्ट करते हैं। आई मीन सीरियसली, एक अबंडेंट पार्क में जहाँ पे आपकी बेटी कह रही है कि कुछ तो गड़बड़ है, आप खाने के पीछे जा रहे हो। आई एम सीरियसली स्टार्टेड डाउटिंग दिस मैन एज अ फादर बिकॉज ही हैज नॉट एनी क्रेडिबिलिटी एज अ फादर। तो भागते भागते वो अचानक एक स्टॉल के सामने आते हैं जहाँ पे फूड होता है। फूड के स्मेल से ही वो इतने डिस्ट्रैक्ट एंड ग्रीडी हो जाते हैं कि उनके दिमाग में ये सवाल भी नहीं आता कि पूरा पार्क खाली है तो वहाँ पे फूड कैसे हो सकता है। एंड हद तो तब हो जाती है जब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों खाना भी खाना शुरू करते हैं एंड चीरों के भी बुलाते हैं। बट अपनी लड़की होशियार, वो मना कर देती है। यहाँ पे हमें अपनी दूसरी सीख मिलती है कि केवल इंस्टेंट प्लीजर के लिए अपना कॉमन सेंस मत बेच दो। हस्बैंड एंड वाइफ मस्त दबा के खा रहे होते तब तक चिहिरो पार्क को एक्सप्लोर करना चालू करती है एंड उसे वहाँ पे एक बाथ हाउस, एक ट्रेन एंड और भी कई चीज़ें दिखाई देती है। ऐसे ही घूमते घूमते जब वो ब्रिज पे होती है तब वहाँ पे उसे एक लड़का दिखता है जिसका नाम होता है हाकू एंड उसे कहता है कि जल्दी से इस प्लेस को छोड़ के निकल जाओ, तब तक मैं उन्हें रोक के रखता हूँ। अब किसे रोक के रखता हूँ चिहिरो को कुछ समझ में नहीं आता। बट जब तक चिहिरो इस कन्फ्यूजन से निकले अचानक वहाँ के सारे लैम्प जलना स्टार्ट होते एंड कुछ अजीब सी डार्क फिगर्स दिखाई देना शुरू होती है। अब चिहिरो का पूरा माइंड हिल जाता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। एंड उसे झटका तो तब लगता है जब वो अपने मॉम एंड डैड के पास जाती है तो वो दोनों अल्टीमेटली पिग्स में बदल गए होते। अब चिहिरो का दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद करता है। बट जैसे उसको हाकू ने बताया था कि यहाँ से निकल जाओ, तो वो एग्जिट की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ना शुरू करती है।
बट और एक सरप्राइज कि बीच में एक बड़ी नदी होती है। अब ये नदी कहाँ से आई कुछ पता नहीं, एंड उसके ऊपर से एक बोट उसके तरफ आ रही होती है जिसमें से कुछ अजीब कपड़े पहने हुए लोग निकलते हैं। इस शॉक से चिहिरो संभल पाए एंड कुछ सोच पाए तभी तक उसकी बॉडी फेड होकर ट्रांसपेरेंट बनना शुरू होती है, एंड अब उसकी हिम्मत टूट के वो रोना शुरू करती है। फिर वहां पे हाकू आता है एंड उसे खाने के लिए एक गोली देता है जिससे वो फिर से सॉलिड फॉर्म में वापस आती है, एंड अब उसे बताता है कि ये प्लेस मैजिकल है, एंड उसे युबाबा नाम की एक जो जादूगरनी है वो चलाती है, एंड अगर अपने फैमिली को बचाना है तो मेरे साथ आ जाओ। चिहिरो हाकू के साथ एक ब्रिज की तरफ बढ़ना शुरू करती है। हाकू उसे बताता है कि इस ब्रिज से केवल स्पिरिट ही पास कर सकती है, ह्यूमंस नहीं, तो अगर उसे पार करना है तो उसे अपनी ब्रेथ रोक के रखनी पड़ेगी। शुरुआत में तो सब ठीक जाता है बट आखिर में अल्टीमेटली चिहिरो की ब्रेथ निकल जाती है, पर वो पकड़े जाए तब तक हाकू बड़ी मुश्किल से अपने मैजिक का यूज करके उसे ब्रिज पार करवा देता है। बट तब तक खबर फैल जाती है कि यहाँ पे कोई ह्यूमन घुसा है, तो हाकू से बताता है कि जल्द ही युबाबा तुम्हें पकड़ लेगी एंड अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है तो यहाँ पे तुम्हें जॉब करना पड़ेगा। वो उसे बॉयलर रूम का मैप बताता है एंड कहता है कि कोई कितना भी तुम्हें निकालने की कोशिश करे, जॉब नहीं है ऐसा बोले, फिर भी तुम कुछ भी करके जॉब लेना ही पड़ेगा। जीरो कैसे तो सबकी नजर से बचते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर बॉयलर रूम तक पहुंचती है जहां से पूरे बाथ हाउस का पानी गर्म हो रहा होता है। वहां पे एक स्लेव होता है कामा जी। चिहिरो उसे जॉब मांगती है बट वो उसे जॉब देने से मना कर देता है, पर चिहिरो को याद आता है कि हाकू ने बताया था कुछ भी हो जाए भाई हिम्मत नहीं हारनी, तो चिहिरो कहाँ पे हार मानने वाली है। वो जिद पे अड़ी रहती है कि जॉब दो मैं यहां से हिलूंगी भी नहीं। ये उनका सब कन्वर्सेशन चल ही रहा था तब तक वहां पे एक लड़की आ जाती है लीन, जो चीरो को देख के शॉक हो जाती है कि यहाँ पे ह्यूमंस कैसे आ गए। बट कामा जी का तब तक हार्ट पिघल गया होता है क्योंकि चीरो भी भाई परसिस्टेंट होती है, एंड वो लिन से रिक्वेस्ट करता है कि इसे युबाबा के पास ले जाओ, इसे जॉब चाहिए। बट लीन मना कर देती है, बट कामा जी को पता है कि उसे कैसे मनाना है तो वो उसे रोस्टेड मीट के बदले ब्राइब करता है एंड उसे युबाबा के पास ले जाने को बोलता है। लीन कैसे तो सबकी नजर से चिहिरो को बचाकर ऊपर ले जा रही होती है। कुछ क्रिएचर्स को लीन पे शक हो रहा होता है कि इसके बॉडी से ह्यूमंस की स्मेल कैसे आ रही है, बट लीन भी बहुत ही चालाक होती है। वो अपनी होशियारी का यूज करके युबाबा को एक लिफ्ट तक पहुंचा देती है एंड उसे बोलती है कि वहां से ये लिफ्ट तुम्हें सीधी युबाबा के पास ले जाएगी। जब चिहिरो युबाबा के रूम के बाहर खड़ी होती है तो युबाबा को अपने मैजिक से पता चलता है कि चिहिरो बाहर खड़ी है एंड वो उसे अंदर खींच लेती है। युबाबा एक ओल्ड लेडी होती है बट बहुत ही पावरफुल जादूगर होती है। चिहिरो उसे सवाल करती है कि ये सब चल क्या रहा है, ये प्लेस क्या है, तुम कौन हो। तब हमें इस प्लेस के बारे में पता चलता है। युबाबा उसे बताती है कि एक्चुअली में ये कोई पार्क नहीं है, कोई अम्यूजमेंट पार्क नहीं है, ये स्पिरिट्स के लिए एक बाथ हाउस है। यहाँ पे सब स्पिरिट्स आती है नहाने के लिए एंड ह्यूमंस यहाँ पे कभी नहीं आ सकते, एंड जो ह्यूमंस यहाँ पे घुसे चले आते हैं एंड उसकी परमिशंस के बिना उसका फूड खाते हैं तो वो सबको पिग्स में बदल देती है एंड उन्हें रोस्ट करके खा जाती है। एंड यहाँ पे सब लोग युबाबा के स्लेव्स है, उसके वर्कर्स है, इंक्लूडिंग हाकू। चिहिरो को हाकू की बात याद आती है कि यहाँ पे अगर रहना है तो तुम्हें युबाबा से जॉब मांगना पड़ेगा, तो वो युबाबा से जॉब लेने की जिद कर देती है। बट युबाबा अल्टीमेटली उसे मना कर देती है कि मैं एक छोटी सी लड़की को रख के क्या करूँगी। बट अपनी चिहिरो तो भाई अल्टीमेटली एक फाइटर होती है, वो जिद नहीं छोड़ती,
मुझे जॉब चाहिए, मैं यहाँ से हटूंगी नहीं, बेसिकली धरना देने बैठ जाती है कि जॉब दो जॉब दो, जैसे हमारे आजकल की यूथ बैठ रही है। ओके दैट्स अ डार्क जोक। ओके तो वो वहाँ पे धरना लेके बैठ जाती है एंड युवा बा को धमकी देती है कि मैं यहाँ से निकलूंगी भी नहीं। तब युवा बा का एक जो छोटा बेटा होता है वो एक्चुअल में साइज में बहुत बड़ा होता है, तो वो वहाँ पे आता है एंड हल्ला करना शुरू कर देता है कि मुझे क्यों उठाया, वो रोना वगैरह शुरू कर देता है एंड युवा बा उसे चुप करने का ट्राई कर रही होती है। तब इसी मौके का चीरो फायदा उठाने का सोचती है एंड वो युवा बा को धमकी देती है कि अगर उसे जॉब तुमने नहीं दिया तो मैं चिल्लाना शुरू करेगी, जिससे उसका बेटा और ज्यादा रोएगा। तो फाइनली युवा बा उसे जॉब देने का डिसाइड करती है एंड उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने को देती है। जैसे ही चीरो कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है तो युवा बा उससे उसका नाम मैजिक से छीन लेती है एंड उसे एक नया नाम देती है सेन करके। बट वहाँ पर कोई भी एक ह्यूमन को अपने साथ काम पे नहीं रख रहा होता है, तो हकू चिहिरो को लीन की असिस्टेंट बना देता है। तो वहाँ पे लीन जैसे और भी बहुत ज़्यादा वर्कर्स होते हैं, तो लीन उसे रूम में ले जाती है, उसे पहनने को कपड़े देती है एंड सोने को बोलती है। जैसे ही ह्यूमंस वर्ल्ड में सुबह होती है यहाँ पे ये सब सो रहे होते हैं। युवा बा बाहर स्काउटिंग पे चली जाती है तो उसी मौके का फायदा लेके हाकू चिहिरो के पास आता है एंड उसे बाहर ले जाता है। वो उसे एक शेड में लेके जाता है जहाँ पे बहुत सारे पिग्स होते हैं, यानी कि ह्यूमंस जो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। चिहिरो अपने मॉम डैड को बुलाना ट्राई करती है बट वो खा खा के सोए होते हैं एंड जब वो अपना नाम लेती है तो उसे सिर्फ सेन ही याद होता है, वो अपना असली नाम भूल गई होती है। एंड अभी यहाँ पे हमें पता चलता है कि हाउ युवा बा कंट्रोल्स एवरीवन, एक्चुअली में वो उनसे उनका नाम छीन रही होती है एंड जब तक उन्हें उनका असली नाम याद नहीं आएगा वो फ्री नहीं हो सकते। तो हाकू उसे वो कार्ड देता है जो चिहिरो को उसके पापा ने दिया था, जिससे कि वो अपना नाम नहीं भूल पाए एंड हाकू भी अपना नाम भूल चुका होता है, जिसकी वजह से वो युवा बा का स्लेव होता है। अगले दिन लीन चीरो को काम सिखाने के लिए ली जाती है बट चीरो ने अपने लाइफ में कभी भी काम नहीं किया होता, तो उसे काम करना ही नहीं आ रहा होता, हर काम में वो स्ट्रगल कर रही होती है। ऐसे ही वो जब खराब पानी को बाहर डालने के लिए जाती है तो वहां पे नू फेस करके एक स्पिरिट होता है, तो अपनी काइंड चीरो उसे बारिश में भीगता हुआ देख उसे अंदर बुलाती है। यह बाकी वर्कर्स लीन एंड चिहिरो को परेशान करने के लिए उनको सबसे गंदा वाला बाथटब देते हैं। वो इतना गंदा होता है कि वो साफ ही नहीं हो रहा होता एंड वहां का सुपरवाइजर चिहिरो को हर्बल वाटर का टोकन भी देने से मना कर देता है, पर नो फीस चुपके से उसे वो टोकन दे देता है एंड सबकी नजर से छुपा के वो चिहिरो को बहुत सारे टोकन्स ऑफर करता है। चिहिरो मना कर देती है बट फिर भी वो उसे वहीं पे छोड़ के चला जाता है। तभी एक बहुत ही गंदा सा एंड स्टिंकी स्पिरिट बाथ हाउस की तरफ बढ़ रहा होता है। युबाबा के वर्कर्स कैसे तो उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं बट फिर भी वो अंदर घुस के चला आता है। उससे इतना गंदा स्मेल आ रहा होता है कि आधे तो वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। बट अब अंदर आने के बाद युबाबा के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है उसे वेलकम करने के अलावा एंड उस स्पिरिट को देखकर सारे वर्कर्स भाग जाते हैं, बट चिहिरो कैसे तो हिम्मत करके खड़ी रहती है एंड उसे सबसे बड़े वाले बाथटब में ले जाती है। बट भाई वो स्पिरिट इतना गंदा होता है एंड उससे इतनी गंदी स्मेल आ रही होती है एंड उससे कुछ अजीब सी स्लाइम निकल रही होती है। चिहिरो बहुत हिम्मत दिखाते हुए उसे क्लीन करने का ट्राई कर रही होती है। सारे वर्कर्स बहुत ही केयरफुली से ये सब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। चीरो बार बार फेल हो रही होती है बट वो हार नहीं मानती। अपने टोकन में से एक टोकन यूज करके वो हर्बल वाटर को ले आती है एंड उससे उसको क्लीन करने का ट्राई कर रही होती है। तभी उसे स्पिरिट में कांटा दिखता है एंड वो सबको हेल्प के लिए बुलाती है। सारे वर्कर्स युवा बा चिहिरो पूरे जान से उस थॉर्न को खींचने का ट्राई कर रहे होते हैं। पूरी मेहनत करके वो कांटे को निकाल देते हैं एंड जैसे ही कांटा निकलता है
उसमें से बहुत सारी गंदगी, कचरा, पुरानी चीजें एंड अल्टीमेटली सोना भी निकलता है। सब बहुत खुश हो जाते हैं कि एंड चीरो की तारीफ करना शुरू करते हैं। एक्चुअली में वो कोई स्मेली मॉन्स्टर नहीं होता, वो एक रिवर स्पिरिट होती है जो गंदगी की वजह से इतनी स्मेली एंड बदबूदार हो चुकी होती है। अल्टीमेटली वो खुश होकर चीरो को एक टैबलेट देती है, क्योंकि चीरो ने इस काम को छोड़ा नहीं होता एंड उस काम को छोटा माना नहीं होता एंड पूरे उसको उसके दिल से किया होता है। मूवी से हमें यहाँ पे लेसन नंबर 3 मिलता है कि लाइफ में कोई भी काम छोटा नहीं होता एंड कभी भी छोटी चीजें से बहुत बड़े रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। जीरो की बहुत तारीफ होती है एंड लीन भी उसकी अच्छी दोस्त बन जाती है, बट सबसे छुप छुप के नो फेस स्पिरिट उस बाथटब में छुपा होता है। तो एक लालची वर्कर जब वहां पे आता है तो वो उसे सोना ऑफर करता है एंड जैसे ही वो सोना लेने बढ़ता है तो नो फेस उसे निगल जाता है। जीरो की जब नींद से आंख खुलती है तो वो देखती है कि सारे वर्कर्स तो गायब है। एक्चुअली में सारे वर्कर्स नो फेस को खुश कर रहे होते ताकि वो उन्हें गोल्ड दे सके। जब चीरो बाहर जाके देखती है तो उसे हाकू ड्रैगन के फॉर्म में जख्मी दिखाई देता है। उस पे कुछ बर्ड्स ने हमला किया होता है। चीरो बहुत मुश्किल से उन बर्ड से बचा बचाते हाकू को अंदर लेती है, बट एक बर्ड फिर भी उसके सर पे आके चिपकती है। हाकू उसी जख्मी हालत में युबाबा के रूम की तरफ जा रहा होता है। हाकू को इतना जख्मी देखकर चिहिरो का दिल भर आता है एंड वो उसके हेल्प के लिए ऊपर भागने लगती है। यहाँ पे बाकी सारे वर्कर्स नो फेस को खुश करने में लगे होते हैं। जैसे ही चिहिरो वहां से गुजर रही होती है तो नो फेस उसे बहुत सारा सोना ऑफर करता है, पर चिहिरो मना करती है। वो सोने से ज्यादा हाकू को बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझती है। सारी लिफ्ट बंद होती है क्योंकि वर्कर्स ने वहां पे खचाखच उस सबको भर दिया होता है। जीरो पाइप से कैसे तो जाने का डिसाइड करती है। अपनी जान हथेली पे लेके वो ऊपर चढ़ रही होती है, इस बात से बेखबर कि एक बर्ड उसके पीछे चिपकी है। बहुत मेहनत के बाद जीरो फाइनली रूम तक पहुंचती है। उसका बैड लक कि यूबाबा वहां पे आती है। वहां पे युबाबा को देखकर वो एक जगह छुपती है जहां पे युबाबा का एक जायंट बेबी होता है। वो बेबी चीरो को खेलने के लिए बोलता है बट चीरो मना कर देती है, तो वो उसके हाथ को तोड़ने लगता है बट चीरो वहां से बचकर हाकू के पास आती है। वो बच्चा भी उसके पीछे पीछे आता है। अचानक जो एक बर्ड चीरो को चिपक कर आई थी वो एक ओल्ड लेडी में कन्वर्ट होती है। वो होती है जेनिबा, युबाबा की ट्विन सिस्टर। वो पहले तो युबाबा के बच्चे को एक चूहे में बदल देती है एंड बताती है कि हाकू ने उसका गोल्डन पेडल चुराया है एंड वो उसके वजह से शाप से मरने वाला है। पर तब तक हक उठता है एंड उस बर्ड को काट देता है जिससे जेनिबा गायब होती है। हकू एंड चिहिरो उसी जख्मी हालत में कामाजी के पास आते हैं। तो अब कामाजी उन्हें बताता है कि ये जो कर्स है वो सिर्फ प्यार से निकल सकता है, यानी कि लव से। हकू का बचना अब बहुत ही मुश्किल है। तभी चिहिरो उसे वो टैबलेट देती है जो रिवर स्पिरिट ने उसे दी थी एंड उससे हाकू के अंदर जो गोल्डन पेडल होता है जो उसने चुराया होता है वो बाहर आता है। फिर कामाजी उसे जेनिबा का पता बताता है एंड उसे वहां पे जाने के लिए ट्रेन की टिकट्स भी देता है। चिहिरो निकलने ही वाली होती है तभी वहां पे लीन आती है एंड उसे बताती है कि नो फेस मॉन्स्टर ने अंदर पूरा उधम मचा है एंड वो सिर्फ तुमसे ही मिलना चाहता है। यहाँ पे नो फेस मॉन्स्टर पूरा पगला गया होता है। वो सबको खा रहा होता है, सब जगह तोड़फोड़ कर रहा होता है। जब चिहिरो वहां पे आती है
तो वो उसे बोलता है कि तुम मेरी दोस्त बन जाओ एंड इसके बदले मैं तुम्हें कुछ भी देने को के लिए तैयार हूँ। बट यहाँ पे चिहिरो हाकू को बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझ रही होती है, तो वो अल्टीमेटली मना कर देती है। बट नो फेस चिहिरो को ब्राइब करने का ट्राई करता है, वो उसे बहुत सारा सोना ऑफर करता है एंड उससे पूछता है कि तुम्हें जो भी चाहिए वो सब मैं तुम्हें दूंगा, बट तुम मेरी दोस्त बन जाओ। बट चिहिरो फिर भी मना कर रही होती है एंड मौका देख कर वो टैबलेट जो उसे रिवर स्पिरिट ने दी थी वो नो फेस के मुंह में डालती है, जिसके वजह से नो फेस उल्टियाँ करना शुरू कर देता है एंड इससे वो पूरा पगला कर चिहिरो को मारने के लिए उसके पीछे पड़ता है। चिहिरो बड़ी मुश्किल से उससे बच बचाते बाहर निकलती है एंड लीन के साथ ट्रेन स्टेशन की तरफ बढ़ना स्टार्ट करती है। नो फेस जो वो टैबलेट को निगल गया था उसके वजह से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आता है एंड थोड़ा सा शांत होता है, भाई का दिमाग अभी थोड़ा चिल हो गया होता है एंड वो चिहिरो को बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ आना है। तो चिहिरो नो फेस युबाबा का बच्चा जो अभी चूहे में बदल गया है एंड जो एक बर्ड होती है वो सब जेनिबा के आइलैंड की तरफ पहुंचते हैं। यहाँ पे दिखाते हैं हाकू चिहिरो के प्यार की वजह से जग गया है एंड उस कर्ज से बेसिकली बच गया होता है, तो वो युबाबा के पास जाता है एंड लालची युबाबा अभी भी अपने सोने को गले लगाकर बैठी होती है एंड उसको तराश रही होती है। तब हक उसे बोलता है कि तुम्हारी सबसे प्रेशियस जो चीज़ है ना वो अल्टीमेटली रिप्लेस हो गई है। तो बेवकूफ युबाबा पहले तो अपने सोने को जांचना शुरू कर देती है कि ये तो असली है कि नहीं, बट जब थोड़ा सा सोचने के बाद उसे पता चलता है कि उसका सोना नहीं तो उसका बेटा गायब है एंड वहां पे जो बेटा है वो जेनिबा ने मैजिकली बनाया गया है। दोस्तों यहाँ पे हमें अपने लाइफ का फोर्थ लेसन मिलता है कि लाइफ में पैसा प्रॉपर्टी इससे बड़ी हमारी फैमिली दोस्त एंड लव वंस होते हैं। अपने बेटे को खोया हुआ देखकर युबाबा निराश होकर बैठ जाती है, तो हाको उसे एक डील करता है कि मैं तुम्हारे बेटे को वापस ला सकता हूँ बट तुम्हें चिहिरो एंड उसकी फैमिली को छोड़ देना पड़ेगा। युवा बाप कोई दूसरा और रास्ता नहीं इसलिए तैयार हो जाती है, बट एक शर्त रखती है कि मैं चिहिरो को छोड़ दूंगी बट उसकी उससे पहले एक टेस्ट जरूर लूंगी। ये सब चल रहा होता है तब तक चिहिरो जेनिबा के आइलैंड पर पहुंचती है। जेनिबा एक बहुत ही अच्छी प्यारी सी लेडी होती है, उसके पास युवाबा जितना पैसा नहीं होता बट वो सबसे प्यार से बात कर रही होती है। सबको आने के बाद वो उन्हें चाय ऑफर करती है, उनसे उनकी फैमिलीज के बारे में पूछती है एंड जब उसे पता चलता है कि चिहिरो हाको के प्यार के खातिर यहाँ तक आई है तो वो हाको को भी माफ कर देती है। वो चिहिरो से पूछती है कि तुम हाको से पहली बार कब मिली थी। चिहिरो बहुत सोचती है बट उसे कुछ याद आ नहीं रहा होता है कि वो हाकू से जिंदगी में पहली बार कब मिली थी। चिहिरो सोच में पड़ जाती है एंड यहाँ पर बाकी सारे बॉन्डिंग करने होते हैं, नो फेस वो युबाबा का बेटा वो बर्ड वो उनकी सबकी बॉन्डिंग चल रही होती है। तब तक हाकू ड्रैगन का फॉर्म लेके वहां पे आता है, वो सब जाने का डिसाइड करते हैं बट नो फेस वहीं पे रुकता है। नो फेस को फाइनली कोई अपना मिल गया होता है जो उसे प्यार करे एंड जिसे नो फेस फाइनली कोई अपना बुला सके। जब चिहिरो हाको के ऊपर बैठ कर जा रही होती है तब उसे बचपन की मेमोरीज आना स्टार्ट होती है एंड फाइनली उसे चमकता है कि हाको एक्चुअली में रिवर स्पिरिट है जिसने उसे बचपन में बचाया था। जैसे ही वो हाकू को ये सब बताती है तो हाकू को अपनी मेमोरीज पूरी तरह से याद आती है एंड हाकू फाइनली युबाबा के कर्ज से आजाद हो जाता है। जैसे ही सब पैलेस वापस आते हैं वहां पे युबाबा एंड सारे वर्कर्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि आज चिहिरो अपने पेरेंट्स के साथ फाइनली फ्री होने वाली होती है। बट वहां पे एक लास्ट टेस्ट बची होती है जो युबाबा लेने वाली होती है। तो टेस्ट के अनुसार चिहिरो को उन पिग्स में से अपने पेरेंट्स को ढूंढना होता है।
जैसे ही जीरो पिक्स को देखती है वो समझ जाती है कि इसमें से एक भी पिक उसके ना तो डैड है ना तो मॉम है। एंड वो युबाबा को बोलती है कि इसमें से कोई भी मेरे मॉम एंड डैड नहीं है। एंड ये सच भी होता है, ये युबाबा ने एक ट्रिक यूज की होती है ताकि जीरो जीत ना पाए। बट अब डील तो डील है, एंड डील के अनुसार वो उसके मॉम एंड डैड को जीरो से वापस मिलवा देती है। एंड मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि जीरो, उसके डैड एंड उसकी मॉम फाइनली उस अम्यूजमेंट पार्क से खुशी खुशी बाहर निकलते हैं, अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं एंड अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए अपने नए घर की तरफ बढ़ते हैं। एंड इसी तरह से ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पीस आउट।